नमस्कार, मंजुला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास में आप सबको एक स्वेटर की डिजाइन बनाना बताएंगे। यह बहुत ही प्यारा डिजाइन है। इसके लिए हमने डाले हैं 25 फंदे। इस 25 फंदे में ही यह डिजाइन आपको बताएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले पहला फंदा उल्टा बुनना है। पहला फंदा हमने उल्टा बुना, उसके बाद 5 सीधा। देखिए, 2 3 4 5, 5 हमने सीधा बुने। अब एक फिर उल्टा, एक फंदा फिर उल्टा, इसके बाद फिर एक सीधा, उसके बाद फिर एक उल्टा। अब इस उल्टे के बाद फिर हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5। अब यहाँ पर जैसे 5 के बाद किए थे, उसी प्रकार फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा। अब फिर 5 फंदे फिर सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। अब फिर एक उल्टा, एक सीधा, फिर एक उल्टा। इसी क्रम में सामने सलाई पूरी हो गई। पिछली सलाई में बस थोड़ी देर तक ध्यान देना है, जो फंदे इधर से उल्टे बुने हैं वह उस तरह उल्टा ही आए, इस प्रकार। और जो फंदे पीछे उल्टा आ रहे हैं उसे हमें उल्टा ही बुनना है। ये देखिए, अब आगे से जो सीधा है वो आगे की ओर सीधा बनेगा। अब हमें जो 5 सामने से सीधा था, उस 5 को पीछे से उल्टा बुनना है। ये 4 और ये 5। अब एक जो उल्टा था उल्टा, और सीधा फंदा पीछे से उल्टा। अब हम फिर 5 को ऐसा बुनेंगे कि वो सामने से सीधा दिखाई दे। 2 3 4 5, यह डिजाइन। एक उल्टा, सामने से सीधा रहेगा, फिर एक सामने से उल्टा, और ये 5 पीछे से उल्टा लेकिन सामने से सीधा बनेगा। 3 4 5, अब यह उल्टा। अब हम सामने आ गए। यह 5 फंदों से यह डिजाइन बनते जाएगी बर्फी आकार में। अगर आपको हमारा यह कार्डिगन डिजाइन वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नीचे बने बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद। देखिए, अब हम यह जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा ही बनाए हैं, और अब जो 5 सीधा है उसे 4 करेंगे ताकि हमारा डिजाइन का आकार लेते जाएगा। 3 और जब आखिरी में 2 का 1 करेंगे। 5 फंदे की डिजाइन है, पर जब अब तीसरी सलाई में इसे 2 का 1 कर दी, इस प्रकार यह 4 फंदे 1 घट गए। अब जस्ट उल्टा फंदे के बाद वाला जो सीधा फंदा है उससे हम 2 फंदे बना लेंगे, 1 का 2 कर लेंगे ताकि हमारा फंदा बराबर हो जाए। यह उल्टा फंदा। अब फिर हम 5 फंदे को 4 करेंगे। अब ये 2 फंदे एक साथ बुनेंगे ताकि ये 4 हो जाए और डिजाइन हमारा बनते रहे। फिर इसके बाद वाला उल्टा, जस्ट जो एक सीधा फंदा है उससे फिर 2 करेंगे, 1 का 2। इसी प्रकार हमारी पूरी सलाई बनेगी। देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, डिजाइन का ही आकार ले रहा है।
यहाँ पे जो पांच फंदे थे एक घट के चार हो गए हैं। अब इस लाइन में फिर एक घटते जाएगा और यह तीन हो जाएगा, लेकिन बीच का जो एक फंदा था वह बढ़कर दो तीन इस क्रम में बढ़ते जाएगा। देखिए जो उल्टा है वह तो उल्टा ही बुनेंगे उसको, पर जो पांच था वह अब चार हो चुका है। ये देखिए अब यह तीन हो जाएगा, सॉरी ये देखिए इसको दो फंदे एक साथ हमने बुने, यह अब तीन हो गया। पर जस्ट एक उल्टा फंदे के बाद वाला फिर हमें यह फंदा बढ़ा देना है। ये देखिए अब यह बढ़ के तीन हो गया बीच वाला, फिर एक उल्टा, अब चार को फिर तीन करेंगे। इसी क्रम में हमारी पूरी सिलाई बनते जाएगी। देखिए यह तीन हो गया, एक उल्टा, अब जो दो फंदे हैं वह फिर बढ़ के तीन हो जाएंगे। देखिए एक फंदा हमने बढ़ा लिया, इसी क्रम में पूरी सिलाई बुनेंगे। पीछे आने पे उल्टा को उल्टा और सीधा को सीधा बनाएंगे। देखिए हमारी पिछली सिलाई डिजाइन के अनुसार बनेगी। पहला फंदा जो सामने से उल्टा है तो उल्टा ही रहेगा, और उसके बाद वाला डिजाइन वाला फंदा पीछे से उल्टा, ताकि सामने से सीधा फंदा बन सके। अब यह फंदा सामने की ओर उल्टा बनेगा, इसी क्रम में बनाना है। पिछली सिलाई में सामने से जो उल्टा है उसे उल्टा, और जो सामने से सीधा है उसे सीधा। देखिए आप लोग हमारा एक डिजाइन पूरा बनने वाला है। ये देखिए ये जो अब आखिरी लाइन है डिजाइन की, इसको दो को एक कर दिए एक साथ, हमारी एक डिजाइन पूरी बन गई। उसके जस्ट बाद वाला उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा जो अभी चार हुआ है, अब यह पांच हो जाएगा। अब ये पांच फंदे हो गए। अब अगली लाइन जब हम सामने आएंगे तो हमारा यही फंदा डिजाइन बनना शुरू होगा। ऐसे ही बदलते जाएगा। देखिए हमारी एक डिजाइन कंप्लीट हो गई, हमेशा तिरछी आकार में यह आकार लेते जाएगा। देखिए यह डिजाइन जैसे हमने यहाँ से पांच को घटाते हुए यहाँ पे एक बच गया, और जो एक था वह बढ़ते हुए पांच हो गया। अब डिजाइन हमारी बदलेगी। अब जो एक है एक फंदा वह दो बनते जाएगा, और जो पांच है वह चार तीन दो एक इस क्रम में घटते जाएंगे। देखिए उल्टा फंदा उल्टा हुआ, और सीधा जो है उसे अब हम एक का दो कर लिए, और यह उल्टा फंदा उल्टा, और जो अब पांच सीधा है उसे अब चार कर लेंगे। हमेशा कॉर्नर वाला फंदा ही घटता है और कॉर्नर वाला फंदा ही बढ़ता है, बस डिजाइन इसकी चेंज होते रहेगी। यह एक फंदा दो हो गया, कॉर्नर पे ही चार पांच का चार करेंगे। ये देखिए कॉर्नर में आ गए, अब ये दो फंदे एक साथ ये चार हो गए। उल्टा फंदा उल्टा, और जस्ट बाद वाला एक का दो करेंगे। हमेशा कॉर्नर में बढ़ाना है और कॉर्नर पे ही घटाना है, डिजाइन के कॉर्नर पे। इस डिजाइन के आखिरी पे दो का एक कर दिए, यह हमारी डिजाइन बदल गई है। और
दूसरी लाइन शुरू हो गई है। देखिए आप लोग, हमारा एक डिजाइन पूरा बन चुका है, एक डिजाइन। अब यहाँ से फिर दूसरी डिजाइन शुरू होगी। पांच फंदे से ही बन रहा है ये, देखिए। अब दूसरी डिजाइन शुरू होगी, एक उल्टा किए, एक उल्टा फंदा और चार सीधा बुनेंगे, आखिरी में दो फंदे एक साथ बुनेंगे। तो ये चार फंदे हो गए, दो एक साथ बुन के उसके बाद फिर उल्टा। यह बहुत प्यारा डिजाइन है। यहाँ पे बीच वाला सीधा फंदा को एक का दो करेंगे, ये देखिए। इसी क्रम में पूरी हमारी डिजाइन बनते जाती है, ये देखिए। पिछली सिलाई हमारा ऐसे ऐसे बनते जाएगा, देखिए। पिछली सिलाई की डिजाइन, पिछली सिलाई ऐसे आकार इधर उभरते जाएगा और सीधे तरफ ऐसा आकार लेते जाएगा। बहुत सरल डिजाइन है, देखिए। यह बहुत प्यारा डिजाइन है, इस प्रकार बनेगा। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब पांच फंदे यहाँ से घटेंगे तो जस्ट एक उल्टा फंदे के बाद वाला फंदा हमें बढ़ाना है। जब यह बढ़ते हुए पांच हो जाए तो इसकी घटाई शुरू होगी, और जो घटते हुए एक हो जाए तो जस्ट इसके बाद वाला डिजाइन शुरू होगा। बस दाएं बाएं बदलते जाना है। हमें सिर्फ यह ध्यान रखना है, जहाँ पे हम घटाएंगे एक उल्टे के जस्ट बाद वाला बढ़ाना है, और हमारे यहाँ बर्फी आकार का डिजाइन बनते जाएगा, जिसे आप कार्डिगन में भी आप लोग डाल सकते हैं, स्वेटर में भी आप लोग डाल सकते हैं, साल में भी यह डिजाइन बहुत प्यारा लगता है।